सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप लोग? यार आज हम लोग बनाने वाले हैं चेस्ट, क्योंकि यार हम लोग बहुत ही दिक्कत हो रहा है यार सर्वाइव करने में। नहीं भाई लोग, यार किम में जाते हैं लोग ना, तो मेरे हम लोगों के पास यार सामान भर जाता है, आप लोगों के पास भी भर जाता होगा। तो ये हम लोग पास हो जाता है कि यार अब नहीं ले सकते हैं, बट हम लोग के पास अगर चेस्ट रहेगा तो हम लोग चेस्ट में अपने सामान को रख देंगे। उसके बाद जो भी सामान हम लोग लाएंगे यार किप से, यानी कि यार कोल वगैरह है, उससे लाने पर हम लोग अपने साथ ला सकते हैं, फिर से अपने चेस्ट में रख सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह हम लोग को सामान इकट्ठे करने में। यार सामान को बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए यार कोई भी यही काम करता है यार, चेस्ट जो तो जरूर बनाता है यार, कोई भी बंदा चेस्ट जरूर बनाएगा यार, ग्राफिक टेबल चेस्ट ऐसे यार, फर्नेस वगैरह ये सारे चीज़ ये हर एक बंदे बनाते हैं, क्योंकि यार इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए उसके लिए सिंपल यार आप लोग आइएगा लोग यार, वुड कलेक्ट कर लीजिएगा लोग, मैं तो 8-10 कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ले चल कर दिखाता हूँ यार। क्योंकि मैंने यार 3 अगर आप वुड कलेक्ट कर लेते हो तो भी बन जाएगा, बट मैंने 10 कलेक्ट कर लिया है, क्योंकि यार मैं सोचा कि यार साथ ही साथ ग्राफिक टेबल भी बना दूँ। यार आप लोग देख सकते हैं मेरा घर कितना ऊपर है, तो वहाँ पर अभी जाना है, वहाँ पर भी जाना है, तो यार फटाफट से हम लोग वहाँ पर चलते हैं, उसके बाद आप लोग दिखाते हैं। भाई साहब मैं ऊपर आ चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है यार, मैंने सारा चीज़ ऊपर बना कर रख दिया है जो मेरे को ज़रूरत है। भाई लोग यार देख लीजिए लोग, मैंने फर्नेस भी बना लिया हूँ, ग्राफिक टेबल भी बना लिया यार, 2 बेड भी मैंने इधर इस साइड में इधर लगा दिया हूँ, और बीच में जो है मेरा चेस्ट है, तो ऐसा ही मैं फिर से बनाऊंगा, क्योंकि यार आप लोग बना कर दिखाना है आप लोग यार, अगर आप लोग पता नहीं होगा तो आप लोग भी बना लीजिएगा लोग ऐसे। यार मैं बनाता हूँ, पहले तो मैं ग्राफिक टेबल बना देता हूँ, तो ग्राफिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो वुड काट कर लाया था उसे प्लैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यार सिंपल है यार, वुड को ये ग्राफिक टेबल जो है इसमें रखने पर यार प्लैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग 40 यार बना लिया हूँ प्लैंक, और प्लैंक को चारों कट्ठे में एक एक रख देने पर हम लोग का ग्राफिक टेबल भी बन जाता है यार, ग्राफिक टेबल भी बन गया है, और ग्राफिक टेबल हम लोग रखते हैं। अब इसमें सिंपल है, बहुत ही सिंपल है चेस्ट बनाना। अब हम लोग ग्राफिक टेबल में जाएंगे, यानी कि ग्राफिक टेबल पर टाइप करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो प्लैंक लाया था लोग, यानी कि बनाए थे लोग, उसे चारों ओर ग्राफिक टेबल में एक एक रख देना है यार, बीच में नहीं रखना यार, साइड साइड एक एक रख देने पर हम लोग का चेस्ट बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जिस तरह ग्राफिक टेबल बनता है उस तरह ये भी बनता है यार। एक और तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरह बनेगा यार, ये तो किसी को भाई लोग यार समझ में नहीं आया होगा, तो यार ये मत समझना कि मेरे से नहीं बनेगा यार। ये जो साइड साइड 5 ऑप्शन है ना, 6 ऑप्शन है, इसमें से 5 नंबर ऑप्शन पर जाने पर अगर आपके पास वुड प्लैंक होगा जो चेस्ट बनाने लायक, तो आप लोगों का चेस्ट भी बन जाएगा। तो ये देख लीजिए, मेरे से 2 चेस्ट बन जाता था, इसलिए मैं बना चुका हूँ, वहाँ पर आप लोग बना सकते थे लोग। ये सिंपल है भाई लोग, यार हम इस ग्राफिक टेबल को हटाते हैं और चेस्ट को लगाते हैं। भाई लोग हम यार चेस्ट लगा कर आप लोग को दिखा देते हैं कि यार उसमें सामान किस तरह रखा जाएगा और किस तरह निकाला जाएगा। तो फटाफट से यार हम जल्द से यार लगा देते हैं चेस्ट, एक भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। 2 लगाने पर यार आप लोग का चेस्ट जो है जुड़ कर बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यार किस तरह उसमें सामान रखा जाएगा। ये जो मैंने वहाँ पे जो एक पी को मारा था ना, उससे मेरे को मिला था, ये जो मेरे को फूड मिला था खाने के लिए, उसे मेरे को रखना है। तो उस पर यार क्लिक कीजिएगा लोग एक बार, उसके बाद इधर भी एक बार क्लिक कीजिएगा लोग, तो इधर आ जाएगा। यार ये ग्राफिक टेबल को भी इसी तरह मैंने रख दिया, और अगर आप लोगों को इसमें से अपने चेस्ट से अपने पास लाना है तो यार इसमें क्लिक कीजिए, अपने चेस्ट में जो सामान है उसे लाना है, उस पर क्लिक कर इधर क्लिक कर दीजिए लो, आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यार, आप लोग यार बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हो यार, आप लोग पहले तो बनाओ, तो यार ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते यार। हम लोग चलते हैं यार, भाई लोग यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।